और वहीं सीएम मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने लाल डोरा जैसे अंग्रेजी कानून को खत्म कर लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से संवाद किया और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद करते हुए नजर आए और साथ ही ये भी कहा कि लोगों को मालिकाना हक देने का हमने काम किया है। जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून, काला कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग ऐसा मैं ध्यान करता हूँ। 20 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है, तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम दे करके और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब प्रदेश सरकार का सचिवालय चल सकता है, जिले का सचिवालय चल सकता है, सब डिवीजन का सचिवालय चल सकता है, तो गांव का सचिवालय क्यों नहीं चल सकता। हमने ग्राम सचिवालय इसकी प्रथा शुरू की और ग्राम सचिवालय में एक स्थान पर वहीं पटवारी बैठेगा, वहीं हमारा सरपंच उसका ऑफिस होगा, वहीं कोई और बाहर से सरकारी अधिकारी आएगा तो वहां पर होगा, कोई कमरा होगा तो वहां हमारे जो अन्य संगठन है, महिला संगठन है, उनकी बैठक हो सकती है, कोई गांव में छोटा बड़ा बैंक है उसको वहां खोल सकते हैं, हमारा जो सीएससी सेंटर है उसको वहां से चलाया जा सकता है। क्या एक ही परिसर में गांव के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है। इसलिए हमने ग्राम सचिवालय बनाए और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1856 गांव में ग्राम सचिवालयों की ये जो स्थापना है की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी सब वहां बैठते हैं और अपना सरकारी काम बहुत अच्छे से वो करते हैं। परिवार पहचान पत्र, जो मैं कहूंगा कि खास करके गरीब आदमियों के लिए, इसको मैं अंग्रेजी में अगर कहता हूं तो प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, ये उसमें से एक नया जो हमको विकास का काम ध्यान में आया है, ताकि हर व्यक्ति की जितना डाटा है, हर परिवार का जितना डाटा है, वो सब एक स्थान पर लाने के बाद कोई भी जो हम सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, हमको केवल अपना परिवार पहचान पत्र और नाम बताना है।